एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है डे 3 इन जयपुर और अभी हम लोग निकलने वाले हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। बिल्कुल तैयार हो रही हैं और पीयू भी अपना तैयार हो रही हैं। ये देखिए, ये भी पीयू अपना तैयार हो रही है और मैं ऑलरेडी नहाया, कोई नहीं है, बट पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बाद में आके नहाएंगे। वो अपने रूम के बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये इस तरीके से ये वाला व्यू है। ये बुलबुल अभी जल्दी जल्दी इसको पीयू को तैयार कर रही है। जल्दी चलो, बस बस। और आज मैं और पीयू दोनों रेड हैं। हाय चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी, 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 जल्दी। ब्रेकफास्ट खत्म ना हो ठंडा हो जाएगा। नहीं जल्दी हम लोग, हाँ ले ली। एक्चुअली रूम से बाहर निकलते वक्त एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ती है कि आपके पास में कार्ड हमेशा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप रूम एंटर नहीं कर सकते हैं। तो ये अभी ये जाने के लिए ये वॉकवे है और यहाँ से अच्छा नज़ारा है। मतलब बाहर देखते हैं तो यहाँ पे गार्डन एंड ऑल मेंटेन किया हुआ है। इट इज़ अ वॉक ट्रैक हियर। यहाँ बुलबुल आ रही हैं पीछे। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप हमेशा मतलब रहना चाहेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो राजस्थान में चलती हैं टोपियाँ, वो है यहाँ पे डिस्प्ले पर। ये देखिए स्विमिंग पूल का व्यू है, आगे वाले से देखेंगे। ये देखिए स्विमिंग पूल का व्यू है, बट स्विमिंग पूल अभी चालू नहीं है क्योंकि COVID-19 चल रहा है। ये देखिए, ये बाहर तक दिखा तो देता ही हूँ मैं कम से कम। ये देखिए, आ जाओ इधर से, आ जाओ। अप्रोच कर रही हैं खाने के लिए और मतलब सुबह को अच्छा वाला ब्रेकफास्ट हो जाए। हम तो इसको इतना अच्छे से खा लेते हैं कि भाई दोपहर में ज़्यादा भूख भूख नहीं लगती हमको घूमते वक्त। ये फ्री, हमें ज़्यादा वक्त ज़ाहिर नहीं करना पड़ता खाने के लिए। हेलो, ये खाने की जगह है। दिस इज 1183। यहाँ पे अपना नंबर, हाँ, टेबल फॉर 6 पीपल, मिल गई है। एंड नाउ यू सी, यू बैठो। बच्चों के साथ में सोफे वाली सीट हमेशा अच्छी रहती है, तो आई प्रेफर कि सोफे वाली सीट मिल जाए। नज़ारा काफ़ी अच्छा है, मतलब हिज यूजुअल। और वहाँ पे देखें आज क्या क्या है खाने के लिए। खाने के लिए यार बहुत वैरायटी होती है यहाँ पे ना, मतलब आप बोर नहीं होते खाना खाते हुए। काफ़ी अच्छा खाना है। इसमें चाय है, ये कॉफ़ी मशीन है, शुगर एडिट किसी में नहीं होती, इसमें ऐड करना पड़ता है। ये मेरे को बड़ा पंगा लगता है, मतलब शुगर एडिट में मतलब ऐड करते वक्त फिर चाय ठंडी हो जाती है और फिर मज़ा नहीं आता ज़्यादा। दीज ऑल जूसेज एंड ऑल सेक्शन। ये अपना साउथ इंडियन सेक्शन है, इसमें इडली सांभर वड़ा एंड ऑल। एंड दिस इज, ये लाइव डोसा काउंटर है, यहाँ पे लाइव डोसा बनाते रहते हैं। एंड दिस इज अनदर वन, सोया नगेट्स एंड ऑल, मिर्ची वड़ा। ये कुछ स्पेशल लग रहा है, मिर्ची वड़ा आज ट्राई करूँगा मैं इसको। बेक बीन्स, ये तो यूजुअल है, रोस्टेड पोटैटोज कल वाला ही है। एंड दिस सेक्शन है, बहुत सारे टाइप के ब्रेड्स हैं यहाँ पर। You can see this is a live counter of omelette section, so like that. You can see omelette preparations. अभी हम लोग आ गए हैं वापस और मैं यहाँ पे शार ले चुकी हूँ। चलिए मैं आपको मिलती हूँ कैमरे के आगे आकर। मैं कर रही हूँ अपना स्किन केयर रूटीन। ये देखो बुलबुल तैयार हो रही हैं,
और वहाँ पे टीवी चल रहा है अभी, ये जल्दी जल्दी करके तैयार हो रही है भाई बाटा पे, उसमें नान होके तो मैं आपको तैयार होके मिलती हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम सब तैयार हो गए हैं और अब बज गए हैं 12 और मैंने पहना है आज ये वाली कुर्ती और ये मैंने नेक पीस डाला है और डाला है इधर लोअर। पीहू भी तैयार है, हाय पीहू। और वर्मा जी भी तैयार हैं, अब हम लोग निकलने वाले हैं, कैब हमारी आ चुकी है। कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? एल्बर्ट हॉल है, जेसिंग पैलेस है। और चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ निकल रहे हैं, आपको भी अपने साथ ले चलते हैं और बने रहिए मेरे व्लॉग के एंड तक, एंजॉय करिए। ऊपर दूर से चमकता हुआ जंगली सुअर कुछ घूम रहे हैं, पूरी पहाड़ी की ऊपर चढ़ता हुआ, जैसे जैसे सूरज धूप सिर पर आया हुआ है वैसे ही हम पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। और दूर चमकता हुआ वो तिरंगा झंडा, ये संकेत है जयगढ़ किले का। कैसा लग रहा है आज आपको व्लॉग, क्योंकि आज की स्टार्टिंग वर्मा जी ने की है, कुछ डिफरेंट लग रहा होगा। मुझे खाने से तो छुट्टी है ही है, साथ में व्लॉगिंग से भी छुट्टी मिल गई है और हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर जयगढ़ का किला। यहाँ पे पापा जी गए थे टिकट लेने के लिए। कितना कितना? 200 नहीं लेंगे भाई, 100 रुपए में लेंगे। हम लोग सबसे पहले आ गए हैं जयगढ़ फोर्ट। देखिए सर, आप लोग ये किला देख रहे हैं, ये किला 1000 वर्ष पुराना किला है। किले का नाम है अमेरिका किला जयगढ़। तो यहाँ के 1036 में उनके बाद में इस किले में 27 राजा का योगदान रहा है। जैसे यहाँ के फर्स्ट वाले राजा काकिल देव थे, उनके सवाई जयसिंह जी ने इसे कंप्लीट करवाया और अपने नाम से नाम दिया जयगढ़। और जो भी कार्य वगैरह उन्होंने अपने कार्यकाल में करवाए सभी में अपना नाम ऐड किया, जैसे जयगढ़ हो गया। कितने साल लगे इसे बनने में? 700 साल। अच्छा सर, किला बनने में सर इसमें काफी बड़ा, इसमें अंबर पैलेस भी है। तो ये है जयगढ़ फोर्ट और इसमें इस फोर्ट को बनने में कम से कम 700 साल बन गए ऐसा गाइड बोल रहे हैं। और अभी का जो प्रेजेंट रॉयल फैमिली है जयपुर सिटी प्लेस में रहता है, यानी कि यहाँ का जो वंशज है आज भी चलता आ रहा है। जो प्रेजेंट राजा है 23 ईयर उनका मतलब उम्र है, अभी लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ रॉयल फैमिली भी रहता है। ये अभी भी रॉयल पैलेस के अंदर है। अभी आपने गेट से टिकट लिया ना, उसका जो भी कलेक्शन होता है रॉयल फैमिली, वो ज्यादा पैसे समय का सेल होता है जो गार्ड होंगे। अभी रॉयल फैमिली इसने चैरिटेबल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखा है। तो यहाँ से आप जो तोप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा तोप है, इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह जी ने 1720 में करवाया। इसमें जो नाल का देख रहे हैं 50 टन है, गाड़ी का 200 टन। अच्छा, नाल देख रहे हैं ये अष्ट मेटल में, जैसे चांदी कांसा कॉपर वगैरह को अलग करके बनाया, कभी काला खराब नहीं होता। गाड़ी देख रहे हैं लोहे का बनाया हुआ, तो इसको ओनली एक ही बार चलाया गया टेस्ट फायर के लिए। जब चलाया गया यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जयपुर के अंदर चाकसू विलेज है, जहाँ पे इसका गोला जाके गिरा। कब चलाया गया था? वही 1720 में कंप्लीट होने के बाद में इसको यूज नहीं हुआ, बना के ओनली टेस्ट फायर के लिए चलाया गया था, तब से ऐसी रखी है। तो जब चलाया गया था यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जयपुर के अंदर चाकसू विलेज है, जहाँ पे इसका गोला जाके गिरा, और यहीं से ही चालू हुई थी, यहीं से ही बिल्कुल इसी जगह से। ये हिलती नहीं थी ना, चलती नहीं थी इधर उधर, इसको राइट लेफ्ट वगैरह हो सकता है। अच्छा, एक ही बार टेस्ट कर लीजिए। इसको जो है हाथी या कुछ वो बड़े जानवर खेलते होंगे। इसमें ऑप्शन दे रखा है, रेड वाले हुक देख रहे हैं आप, आगे पीछे 4 हुक दे रखे हैं, 4 एलिफेंट के साथ राइट और लेफ्ट घुमाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका गोला जाके गिरा, यहाँ पे काफी लड़ाई घंटा हो गया, राजा ने इसे तालाब बनवाया जो आज भी गोली राम तालाब के नाम से जाना जाता है। Thank you.
जो किला है ये बहुत बड़ा किला है और कार के साथ ही अंदर आए हैं हम लोग। अभी हम लोग एक छोर पे हैं, मतलब एक अभी दूसरी तरफ हम लोगों को जाना है। पीछे एक बहुत सुंदर सी लेक है, लेक ये वही हवा महल है ना? नहीं नहीं, हाँ हवा नहीं, जल महल, जल महल है ये, जल महल है। दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से, ये देखिए ये जल महल है जो हर जगह से हर तरफ से दिखता है। और इधर पीहू है। तो अभी अपने को अंदर देखना है, उसमें राजा लोग खजाना भी छुपाते थे। तो जैसे आपने सुना होगा यहाँ पे 1976 में इमरजेंसी लगाई गई, उस दौरान इसी भरते हुए आगे आएगा। फिर भी फर्स्ट टाइम का गंदा पानी होता है तो वो गेट देख रहे हैं, उसके पास एक रास्ता और होता है। जितना गंदा पानी आएगा, जब तक गंदा पानी आता है उस गेट को बंद रखेंगे, गंदा पानी तक गड्ढे में पड़ जाएगा। जब साफ पानी आएगा तो गेट को ओपन करेंगे, गेट में क्या लगेगा। कैब उधर खड़ी थी ये। जा तो सकता है, सामने से नहीं आ सकता, उस हिसाब से शेप दे रखा है इसे। ये दूर तक देखने के लिए होता था, डाउन में देख रहे हैं जैसे बाहर से कोई किले में आने के लिए रस्सी डाल के चढ़ेगा तो उसके ऊपर यहाँ से गरम तेल गरम पानी डालने के लिए होता था ये वाला, ताकि फिसल के गिर जाए और गरम तेल वगैरह वेस्टेड ना जाए। इसलिए दीवार का शेप देखिए आप, राउंड है, कोई रस्सी डालेगा तो रस्सी फिसल के आके हुक इसी जगह अटकेगा, इसी दर्शन से चढ़ेगा और गरम तेल वगैरह उसी के ऊपर गिरेगा। पूरे किले की दीवारों में इसी प्रकार बनाया हुआ है, लेकिन इनका कभी यूज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कभी लड़ाई नहीं हुई, ओनली सेफ्टी के हिसाब से बनाया गया था। ये साड़ी है, ये मैम मुल्तानी मिट्टी का साड़ी होता है जो आज हमारे जयगढ़ फोर्ट पूरे विश्व के नाम से जाना जाता। अच्छा जी, मुल्तानी मिट्टी की साड़ी, तो सब ऑर्गेनिक। आज हम लोग केमिकल का काम में नहीं और एक हम लोग बनाते हैं सर यहाँ का, ये नया कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं, तो हमने काली मिट्टी से बैकग्राउंड चेंज किया और फिर हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग किया ऑर्गेनिक। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, हैंडलूम की शॉप है जो कि किले के अंदर ही है और आप देख सकते हैं ये आपको निकाल करके अंगूठी से निकाल के दिखा रहे हैं कि साड़ी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। गर्मी में ठंडाएगी और ठंड में बहुत गर्माएगी। ये मेरिनो 50% मेरिनो बोला, 50% बिल्कुल बजाने वाला, बिल्कुल जैकेट वैकेट सब उतार के फेंक दिए भाई, उसको लग रही थी गर्मी। ये देखो तीर कमान।
सिपाही पहनते थे ना पोशाक होती है पहनने के लिए, ये पूरी बॉडी को कवर करने के लिए होता है। इसका वेट है 25 किलो। 25 किलो की ये ड्रेस ऊपर वाले कलाई पे होते थे, गाउन में देख रहे हैं घुटनों पे होते थे। तो ये तलवार से कोई रक्षा करने का। ये मंदिर के बारे में बताइए, ये तब अपने आप से निकली है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे राजा महाराजा पूजा करते थे। तो अभी हम लोग यहाँ जयगढ़ से बाहर निकल रहे हैं और कैब में चलते हैं, बैठते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ जाना है हमें। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं कहीं और जाने के लिए, तो ये बस बने रहिए मेरे व्लॉग में और कल आपको एक और अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग देखने को मिलेगा। चलिए मिलती हूँ कल के व्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर।